हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, कढ़ी चावल। ये मैंने 1.5 लीटर दही ली है, जो घर की जमी हुई दही है, और अब हम इसको फेंट लेंगे अच्छे से। ये हम डाल रहे हैं इसी दही में बेसन, इसको मैं साथ में ही ब्लेंड कर लूँगी। तो ये आप बड़े चमचे जो घर में यूज़ होता है ना, वो वाला चमचा हमने 3 चमचे के करीब डाला है। ये देखिए, हैंड ब्लेंडर से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोई लम्स नहीं है। बेसन ऑलरेडी हमारा छना हुआ था। अब हम अपनी कढ़ाई तैयार कर ली है हमने, जब तक छौंक लगाते हैं। 2 टेबलस्पून हमने सरसों का तेल ले लिया है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच करीब हमारी मेथी दाना है। मेथी दाना हम इसमें अच्छे से डालते हैं। ये डाल दिया हमने 1/4 टीस्पून हींग, और गैस को धीमी गैस पे हम इसको भूनेंगे। मेथी को जलाना नहीं है। चॉपर में हमने 15 से 20 कलियां लहसुन की, यानी ये पूरा जो ऐसे गुच्छा आता है ना लहसुन का, ये डाल लिया है, और 1 इंच अदरक। अब हम इसको क्रश करेंगे। तो ये देखिए, टपरवेयर का जो चॉपर है उसमें हमने इतने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये छोटे वाला है, और ये देखिए कितना फाइनली चॉप हो गया, अदरक भी और लहसुन भी। 2 हम प्याज को बारीक काट लेंगे। 2 प्याज को भी हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। मेथी दाना भुन गया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी। देखिए इतना ब्राउन हो गया। अब हमने इसमें ये कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है, जो मैंने 1 पोथी लिया है। मतलब आप सोचिए 12 से 15 लहसुन की कलियां हैं इसकी, क्योंकि हम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, 1.5 लीटर कढ़ी बना रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी आपको लिख कर दे दूँगी, आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। बहुत हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। देखिए इतनी ज़्यादा कढ़ी में भी हमने केवल 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब ये अच्छे से भुन गया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें प्याज कटा हुआ। 2 बड़े प्याज को हमने बारीक काट लिया था। ये देखिए प्याज अब अच्छे से भुन चुका है। अब हम डाल रहे हैं इसमें धनिया, ये दरदरा कुटा धनिया पाउडर, है ना, 2 चम्मच या 1.5 टेबलस्पून। थोड़ा हमें लगातार चलाते रहना है इसको, कम तेल में, क्योंकि हम बना रहे हैं। ये 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी, क्वांटिटी हमारी उसकी ज़्यादा है। और धनिया भुनने के बाद हमने डाल दी है इसमें ये बेसन दही मिक्स, और थोड़ा पानी मिला के हम इसको धो के डालेंगे। लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको पतला कर लिया है। देखिए मिक्स हो गई है अच्छे से, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। पानी यहाँ पर हमने करीब 2 लीटर डाल दिया है। मैंने इसमें मेरे वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, वो ऑन नहीं हुआ, और इस बीच हमने इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और लाल मिर्च डाली है 1/2 चम्मच। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप कढ़ाई देख सकते हैं कि कितना भर गई है। हमने करीब 2 लीटर पानी, मैं आपको बता रही हूँ, डाल दिया है। तो आपको जैसी कंसिस्टेंसी कढ़ी की चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। पहले उबाल आने तक हमें लगातार इसको चलाना है, ताकि दही जो है वो फटे ना। और 1 उबाल आने के बाद फिर, मतलब सोचिए आप, 40 to 60 मिनट हमें से पकाना है। अब देखिए कढ़ी जब तक हमारी पक रही है, हमने ले लिया है 1 कटोरी के करीब बेसन। इसमें डाल रहे हैं हम 1 पिंच बेकिंग सोडा, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और ये कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें अजवाइन, 1/4 टीस्पून जीरा। देखिए कितने सारे ये मसाले हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकोड़े का घोल बना लेंगे। ये देखिए ये मिक्सचर इस तरह का बन गया है, हमने अच्छे से फेंट लिया, और 1.5 कटोरी के करीब हमारा बेसन था, और उसके में टेस्ट के हिसाब से ऐसे आपने सब कुछ डालना है। जितना अच्छा फिटा होगा ना, उतने अच्छे पकौड़े बनेंगे। और इधर भी हमने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। तेल पहले तेज गरम था, अब हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, और इसमें इस तरह से चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े डाल लेंगे। ये देखिए फूले फूले गोल गोल पकौड़े बनकर कढ़ी के लिए तैयार हैं। अब हम इनको हल्का ब्राउन होते ही निकाल लेंगे, और ये देखिए इस तरह के हो गए, और हमने इनको निकाल लिया। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े बना लेंगे और इनको निकाल लेंगे। और इधर मैं आपको दिखाऊं, हमारी कढ़ी में भी उबाल आ गया है,
मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए आपको यहीं तक दिखा रही हूँ कि जब पक जाएगी फिर आपसे मिलते हैं। तो अच्छे से पकनी चाहिए कढ़ी, तभी टेस्ट आएगा, है ना। और ये हैं पकौड़े, ये है कढ़ी। हम सब लोग इकट्ठा हैं इसलिए आज ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो सोचा आपसे एक ज़्यादा क्वांटिटी की वीडियो भी शेयर करूं। अब ये देखिए, पकते पकते कढ़ी को काफ़ी टाइम हो गया है, कढ़ी देखिए कढ़ाई में भी 1 से 2 इंच कम हो गई है, तो इस टाइप की हो जानी चाहिए, कच्चा कच्चा नहीं लगना चाहिए। और इस समय टेस्ट करके देख लें आप, नमक अगर कम है तो आप और ऐड कर दीजिए, मिर्ची कम है तो और ऐड कर दीजिए। देखिए जैसी कढ़ी है कि चारों तरफ आपको एक परत दिख रही है ना, मलाई जैसी सी, तो इसका मतलब कढ़ी तैयार है। पर हाँ, हमने इसको 1 घंटा अच्छे से पकाया है, पकाओगे तभी इसमें टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये पकौड़े, ये डाल रहे हैं हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, करीब घर का कुटा हुआ है तो 1/4 टीस्पून भर के गरम मसाला हमने डाल दिया है। पकौड़े इसमें डाल दिए हैं, पकौड़े डालने के बाद ना 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको बहुत बढ़िया बनाने के लिए, अब हम इसका टेस्ट और एनहेंस करने के लिए ले रहे हैं 1.5 टेबलस्पून घी, देसी घी, इसका तड़का हम ऊपर से लगाएंगे। घी गर्म हो गया, अब हमने डाला इसमें थोड़ा हींग, और ये डाल रहे हैं कड़ी पत्ता, थोड़ा फ्लेम को हमने तेज कर लिया है। कड़ी पत्ता ऐसे फ्राई हो जाए उसके बाद, मतलब गीला गीला जो रहता है ना, फिर वो मुंह में खाने में आता है, बट आपको थोड़ा सा हल्का से इसको फ्राई करना है। अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट और कलर के लिए देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जो भी आप यूज़ करना चाहें। गैस को हमने ऑफ कर दिया है, थोड़ा घी को ठंडा होने दिया है, और अब डाल रहे हैं हम ये इसमें रेड चिली, अगर आप उसी समय डाल दें जल जाएगी, है ना। और अब ये तड़का देखिए, वाओ क्या बात है, कितना सुंदर कलर आया है। और कटा हरा धनिया भी हम इसमें डाल देते हैं, तो इसकी खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी आने वाली है। तो आप बनाएंगे मेरे तरीके से कढ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं हमारे तरीके से, तो आप ज़रूर बनाइएगा।